आप उस तक पहुँचेंगे कैसे, अल्लाह तक, उसकी जात तक कैसे पहुँचेंगे? वहम है कि पूरा ईमान मुकम्मल तब होगा, क्योंकि उसको तो देखा ही नहीं, और वो चीज़ वो ख्याल में ला भी नहीं सकते, उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, उसको कोई हम फिक्स नहीं कर सकते किसी पोजीशन के अंदर। अगर देंगे करेंगे तो ये तो शिर्क होगा, उसको जो तस्वीर बना देना है, उसको कई खाके में फिट कर देना, तो ये तो फिर शिर्क हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते हम। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए हमको क्या सिफात बयान कर दी जाती है अल्लाह की, जात के ताल्लुक से तो नहीं बताया जाता, बोले सिफात बयान कर दी जाती है, अल्लाह की सिफात है, यानी कि वो बसीर है, उसकी आँखें हैं, देखता है वो, लेकिन वो हरगिज़ हमारे जैसा नहीं देखता होगा, उसकी वाकई में दो आँखें और हमसे जैसा देखे, उसका देखना कैसा हमें नहीं पता, वो देखता हो, वो चाहे जैसे उसकी लायक देखना लायक है वैसे देखता हो, वो जो है सुनता है, असमी है, तब वो हमारे जैसे क्या उसके कान होंगे, कान एक ही है, दो है या तीन है, हमको तसव्वुर नहीं कर सकते, बस ये वो सुनता है, उसकी सुनने की क्या है समाज क्या है उसकी, वो जानता है जैसे उसके लायक है। तो हमको सिर्फ अल्फाज दिए, ये क्यों दिए, क्योंकि हम इसके अलावा अगर हम अल्लाह के सुनने के और कोई अल्फाज आते हैं, देखो तुम तो कान से सुनते हो और अल्लाह उससे सुनता, तो वो चीज़ हमने जब देखी ही नहीं तो हमारे समझ में नहीं आता वो क्या, ये क्या चीज़ है, हमको समझ में ही नहीं आता। इसलिए जन्नत के अंदर ऐसी नेमतें होंगी, ऐसे फल होंगे जो मुख्तलिफ होंगे, अलग होंगे, लेकिन हमको नाम यही बताएगा, हमको अगर अनार बताए कि वहाँ पर अनार होंगे, अंगूर होंगे, किशमिश होगी, अंजीर होगी, ये सब चीज़ें बताएगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होगी, तो इसलिए बताएगी कि दुनिया में हमारे पास यही है, तो वही चीज़ हमको बताई जाती है। नहीं अगर तो एक नया नाम लेकर आ जाएंगे कि वहाँ पर हुआ मिलेगा, तो कहेंगे अरे ये क्या है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं उसको, तो हम फिर हम उसको ख्याल नहीं कर रहे, अरे क्या पता क्या चीज़ है, क्या मालूम कैसा लगे बाद में, हमको तो वही चाहिए, सिंपल ही चाहिए जो हमने खाया वो। तो अल्लाह वही बताता है कि जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए तसव्वुर, उसके अलावा दूसरी चीज़ वो नहीं बताता, क्योंकि फिर तो हम समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए अल्लाह ने हमको सिफात है उसकी जो है सिफात ही आ गई उसकी, उसकी सिफात इससे तुम उसको पहचानो, तो अल्फाज दिए, नहीं तो उस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसी कोई चीज़ ही नहीं, वो अकेला एकता है, तो उस जैसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमको समझाने के लिए बताया गया ताकि तुम्हारे कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि इंसान क्या है कि इंसान को वो चीज़ बताई जाती है जिससे वो समझ जाए, नहीं तो आदमी समझता नहीं है। अब किस और किसी को आप समझा भी नहीं सकते, कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी है जिसको आप समझा नहीं सकते हैं। अगर किसी ने कभी ज़िंदगी के अंदर आम नहीं खाया और आपसे पूछे आम कैसा लगता है, अब आम का स्वाद कहते मीठा, मनी यार पूरा मीठा तो नहीं होता, खट्टा खट्टा भी रहता है थोड़ा सा, थोड़ा कसीला भी होता है, अब लेकिन आप उसको कुछ भी कर ले, लेकिन आप उसको समझा नहीं सकते, चाहे 1000 पेज की किताब लिख दे आप और उसे कह दे कि आम का स्वाद लिख दो कैसा लगता है, और आदमी समझ जाए उसको पढ़ के, नहीं हो सकता, दुनिया के अंदर कोई भी नहीं समझा सकता जब तक कि खुद आम नहीं खा ले। आम खा लेगा वो कहेगा बोले 1000 पेज की किताब पढ़ ले, वो स्वाद नहीं समझ सकता उसका, जायका उसको आएगा ही नहीं, लेकिन वो उसको आम खिला दो, एक पीस आपने खिला दिया, समझ जाएगा हाँ ठीक है हो गया, हाँ इतनी सी बात है उसको ये समझ जाए। अब जो आदमी मान लो किसी ने गोश्त नहीं खाया कभी ज़िंदगी के अंदर, अब उसको कोई पूछे गोश्त कैसा होता है, तो आदमी अब वो जो जानता है ना, तो बोले कटहल खाया, तो हाँ कटहल तो खाया, बोले हाँ वैसे ही होता है, क्योंकि अब उसके वो तो उसके अलावा क्या करेगा, वो जो उसने खाया वही चीज़ बताएगा, उसके अलावा दूसरी तो बताएगी, तो उसको समझ में ही नहीं आएगी वो चीज़। तो ये अल्लाह ने उसकी सिफात हमको बताई कि देखो ये मेरी सिफात है, तो इसलिए हमको बताया कि उसकी वो सुनता है वो देखता है, तो खाली कुछ तुमको समझ में आ जाए, नहीं तो वो तो उसकी सिफात तो आला है सारी के सारी। तो हमको समझाने के लिए बताया सिर्फ ये है। तो अब ये है कि उसकी जात का समझना तो बहुत दूर की बात है, सिफात ही समझ में नहीं आती तो वही जात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उससे जात से ताल्लुक़ तो होना चाहिए। उसकी जात से ताल्लुक़ कैसे होगा, जब मार्फत हासिल करें, उसकी मार्फत हम हासिल करें। अब ये मार्फत भी ऐसा लफ्ज़ है अरबी का जिसका भी कोई दूसरा पर्यायवाची नहीं है, इसका मुतबादिल लफ्ज़ नहीं है कि इसको हम किसी के मार्फत होता क्या है कुछ बता नहीं सकते। अरबी के अंदर मार्फत अलग होता है, इसकी मार्फत दे दो, इसकी मार्फत चले जाओ, वो तो जरिए में इस्तेमाल होता है, जो उर्दू के अंदर अरबी के अंदर उसका कोई वही नहीं कि उसको हम उसको उसका तर्जुमा कर सकें।